सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ में BDL। आप लोग देखोगे भी इन कंपनियों में कुछ ना कुछ खबरें आई हैं और ये स्टॉक हमें कल के दिन बिल्कुल फोकस में दिखाई देंगे। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। वैसे तो मैंने खबरों के बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दी थी, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी कल कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। दूसरी तरफ आप लोग देखो कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप में जो अभी महारत हासिल की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, सभी भारतीयों के लिए खुशखबरी की बात है। तो यहाँ से आप लोग देखो मनोबल बढ़ते हैं और साथ में आप लोग देखो कि यहाँ पर मार्केट में जो खबरें आ रही हैं वो यहाँ पर इन शेयरों में जो है मनोबल बढ़ाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और जो भाई देखो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको एक पेड मेंबरशिप लेनी है और उसके लिए आपको अच्छा कुछ मिल रहा है तो उसका जो है भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हुए देखो, छोटी सी मेंबरशिप है, अगर लेना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड है। और जो ये मेंबरशिप है देखो भाई, ये एक दो स्टॉक्स में ही आपकी कवर हो जाएगी, ये मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी पीछे स्टॉक्स दिए उन सभी में एक शानदार जंप हमें देखने को मिला, एक शानदार रैली देखने को मिली। आप लोग जाकर देखो कि चैनल के ऊपर जितने भी स्टॉक्स बताए हैं, चाहे 10, 20, 2, 4, 5 जितने बताए हैं, सभी ने रिटर्न्स दिया ऑलमोस्ट, एक आध स्टॉक को छोड़कर। तो चलिए अब देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी भी प्रीवियस मार्केट क्लोजिंग के बाद, कि कंपनी को 3172 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी को लगभग 400 से 450 करोड़ का जो है एक एडिशनल भी ऑर्डर मिला है। तो ये दो ऑर्डर कंपनी के मिलाकर हुए 3600 करोड़ के। तो 3600 करोड़ के कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जो अगले आप लोग देखोगे भी ये एक डेढ़ साल में या फिर दो साल में कंप्लीट करते हुए नजर आएगी। उसके ऊपर मैंने भी नज़र नहीं डाली अभी, आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ पर डिटेल जानकारी मैंने दी है। तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक अभी इनकी, 3.5 करोड़ के आसपास ये ऑर्डर मिल गए और ऑलरेडी 75,000+ की इसकी, या 75,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक पहले से है। यानी कि टोटल आप लोग देखोगे भी हम मान के चलेंगे कि 78,000 करोड़ प्लस, यानी कि 78,000 से 79,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 79,000 करोड़ के आसपास इनकी ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है आने वाले टाइम का। ठीक, तो आने वाले टाइम के लिए हम इनके अंदर होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत से निवेशकों के कमेंट आते हैं कि ओवर वैल्यूड है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ टारगेट्स की, तो स्टॉक हमें बजट तक या फिर बजट से पहले अगर अच्छा खासा कोई डीप भी आया ना इन शेयरों में, तो वो भी मौका ही होगा। अभी भी वैसे तो डीप आया हुआ है स्टॉक का, जो 325 के आसपास का आई थिंक इसका हाई था, और वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक अभी के टाइम डाउन है। तो यहाँ पर देख सकते हो 323 है, तो 323 से स्टॉक डाउन है, तो अभी भी मौका है अभी 3-4% के आसपास नीचे में, 4-5% के आसपास, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे टारगेट्स की अगर बात करें, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा अभी इसका 320 का, और जो 320 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो जो सेकंड टारगेट है वो हमारा रहेगा अभी 350 का। तो इन टारगेट्स के लिए हम शॉर्ट टर्म में जो है ट्राई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो देखो भाई अगले 1 से 2 साल में स्टॉक डबल होते हुए नज़र आ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड HEL की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपने देखा होगा भी क्रेडिट रेटिंग कंपनी को मिलते हुए नज़र आई है ICRA की तरफ से। ठीक है, ICRA की तरफ से कंपनी को जो है क्रेडिट रेटिंग मिली है, उसके अनुसार कंपनी को जो है फैसिलिटी जो मिली है वो 6,050 करोड़ रुपए की मिली है। तो कंपनी अगर इन फ्यूचर में कभी इसको जरूरत पड़ती है बैंकों से लोन लेने की, तो 6,050 करोड़ तक कंपनी जो है लोन ले सकती है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ अभी कंपनी के लिए। और इसके बाद आप लोग देखोगे इसके जो टारगेट्स हैं ऊपर में, वो हमें अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बहुत से निवेशकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसके अंदर जो राइट टाइम है एंट्री का, ये सही है या फिर नहीं है। देखो भाई, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो राइट टाइम ये भी सही है, और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे जाए तो थोड़ा बहुत नीचे में खरीदारी करने के बारे में सोचना, एकदम से पैसा डालना नहीं है अभी, चाहे कोई भी कंपनी हो, ये भी हो या फिर कोई अदर कंपनी हो, सारा पैसा एकदम से नहीं डालना है। हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है टुकड़ों में की जाती है। ठीक है, आपको मान के चलिए भी आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो पहले 50,000 आप लोग जो है 10-15 शेयरों में इन्वेस्ट करो, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक चूज करो और उनमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, फिर अगले जो 50,000 होंगे वो आपको जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जो स्टॉक आपको जहाँ पर ब्रेकआउट आए, जहाँ पर एक अच्छा खासा फोल्ड बने, तो उन शेयरों में थोड़ा बहुत डालते रहना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपको आने वाले टाइम में
काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में मदद करेगी, साथ में आपकी स्किल को डेवलप करेगी, ठीक है, मार्केट को लेकर। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टारगेट्स की, तो आपको जो है अभी 4900 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक, 4900 का सपोर्ट। और ऊपर में टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा अभी 5700 का, और जो दूसरा रहेगा 6000 का। ये हमें जो स्टॉक है वो जल्द से जल्द दिखा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक BDL। BDL को लेकर भी आप लोग देखोगे बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं कि इस शेयर में क्या कर। देखो भाई, मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए थे। पहला एग्जांपल्स मैंने आपको दिया था HCL का, ठीक है, HCL का दिया था ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसने भी स्प्लिट किया था और इसका भाव आ गया था अभी 4000 से 2000 पर, ठीक है। तो 2000 से आप लोग देखोगे स्टॉक का भाव अभी के टाइम कहाँ पर है, आप लोग देखो ना अभी कहाँ पर, अभी के टाइम आप लोग देखो 5000 प्लस है, तो ये भी डबल हुआ। उसके बाद मैंने एग्जांपल आपको दिया एक कोचिंग शिपयार्ड का, ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड 1400 की रेंज में था, तब इसने स्प्लिट दिया और इसका जो स्टॉक आया था वो 700 की रेंज में भाई, ठीक है, 700 के भाव में इसका शेयर आ गया था, और 700 से अभी टाइम आप लोग देखोगे भी 2100 के आसपास है, तो कितना हुआ, 3 टाइम हुआ। तो इसीलिए ये स्टॉक भी चलेगा, इसने भी स्प्लिट दिया, 3000 के आसपास था तब दिया, 1500 रुपये के आसपास, 1400 रुपये के आसपास भाव आया, अभी टाइम 1600-1500 उसी रेंज में है स्टॉक, तो यहाँ से ये स्टॉक भी डबल होते हुए नजर आएगा। और डबल होने का जो इसका अगला टाइम हमारा रहेगा वो रहेगा अभी 6 महीने से लेकर 1 साल। तो 6 महीने से 1 साल के अंदर जो स्टॉक है वो हमें यहाँ से डबल यानी कि 3000 रुपये तक जाते हुए नज़र आ सकता है। तो इन शेयरों में होल्ड करने का टाइम है, न कि बेचने का, जो ना अभी पैनिक होकर सेलिंग करने का, ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इन तीनों शेयरों में जो ना अभी होल्ड करने का टाइम है, अगले 1-2 साल के लिए अगर आप लोग चलना चाहो, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो स्टॉक बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर शॉर्ट टर्म करना है तो चार्ट वगैरह ये आपको आना चाहिए, खबरों के ऊपर आपकी नजरें रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।